फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात अब चारा घोटाला मामले में, पांचवें मामले में, यानी कि चारा घोटाला का जो पांचवा मामला था उसमें लालू प्रसाद यादव को मिली 5 सालों की सजा के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में राजद के विधायक तेज प्रताप यादव ने न्याय की मांग को लेकर आज से न्याय यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने कई बड़े बातें किए, कई बड़े दावे किए हैं और सरकार पर हमला बोला है। दरअसल यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद तेज प्रताप यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय यात्रा पूरे राज्य में भ्रमण करेगी जो लालू प्रसाद यादव की सच्चाई से पूरे जनता को अवगत कराएगी। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने सत्ता पक्ष पर लालू प्रसाद यादव को फंसाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। न्याय यात्रा हम लोगों ने शुरुआत करने का काम किया है और पूरी बिहार की जनता ये जानती है कि किस तरीके से उनके नेता, गरीबों के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को किस तरीके से झूठे मुकदमे करके अब फंसाने का काम हुआ है। इधर पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर बड़ा पोस्टर लगा है जहां पोस्टर में लालू प्रसाद का देशवासियों को संदेश दिखाया गया है। दरअसल पोस्टर में 3 पैराग्राफ है जहां पर लिखा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी निषेद ठाकुर ने। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना में राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर है और यहाँ पे एक बड़ा सा ये बैनर लगा है जो कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगवाया गया और इस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का देशवासियों को एक संदेश है। बैनर में आप लालू प्रसाद यादव की तस्वीर देख रहे हैं बड़ी सी और कोने पे एक लालटेन की तस्वीर है और इस बैनर पे साफ तौर पे लिखा हुआ है अन्याय असमानता से तानाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा, डालकर आँखों में आँखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेगी सलाखे। मैं उनसे लड़ता हूँ जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं। ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूँ और लड़ता ही रहूँगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है और ना ही आएगा। 3 पैराग्राफ इस पोस्टर में आप देख रहे हैं और तीनों पैराग्राफ जो हैं वो काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं बातें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का संदेश है देशवासियों के लिए और इस पोस्टर के जरिए भी कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है कहीं ना कहीं उस सजा के पीछे बहुत बड़ा खेल है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, फिलहाल इस खबर में इतना ही, नमस्कार। राजधानी पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा